आंगनबाड़ी से जुड़ी एक और खबर सिंगरौली से है। आंगनबाड़ी एवं सहायिका संघ अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा है। आंगनबाड़ी एवं सहायिका संघ का कहना है कि हमसे कई विभागों का काम करवाया जाता है, तनख्वाह भी कम दी गई है, हमसे डिजिटल मशीन पर फिंगर से उपस्थिति लगवाई जाती है मगर सुविधा कुछ भी नहीं दी जाती। सिंगरौली में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी एवं सहायिका संघ सिंगरौली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि खाद्य शाखा द्वारा NFSA लाभार्थी परिवार सत्यापन का कार्य दिया गया है, जिसे करने में आंगनबाड़ियों में कई समस्याएं आ रही हैं। कुछ लोगों के नाम लिस्ट से कट रहे हैं, जिससे आम लोगों में हमारे प्रति आक्रोश और नाराजगी है और ऐसे में हम खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कभी भी हमारे साथ कोई घटना हो सकती है। कलेक्टर से मांग की है कि उन्हें इस कार्य से तत्काल प्रभाव से मुक्त करें, उन्हें और कोई कार्य दे दें। बाड़ी कार्यकर्ता को सभी लोगों को राष्ट्रीय खाद्य निगम की पर्ची का सत्यापन करने के लिए ड्यूटी लगाया गया है, तो उस ड्यूटी में हम लोग सही सही अगर काम करेंगे तो कुछ ऐसे लोगों का भी नाम जोड़ा गया है जो इसके पात्र नहीं हैं, और अगर हम सही काम करेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि जो पात्र नहीं उनको आप अपात्र कीजिए, उनको काटिए नाम। तो अगर हम उनका नाम काटते हैं तो उससे जन आक्रोश फैलेगा और उससे हमें हानि हो सकता है। उससे जो रिलेटेड जिनका नाम हटाया जाएगा, जो हितग्राही हैं, तो वो हम लोग पे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अटैक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। हमारी यही मांगे हैं कि अगर से वंचित किया हम लोगों को इस कार से मुक्त किया जाए, मुक्त किया जाए, हम ये काम नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत सारा काम है हमारे अपने विभाग का। कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोगों को फिंगर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है, जबकि हम लोगों की तनख्वाह नाम मात्र की है। हम लोगों का PF भी नहीं कटता, हम लोगों को सामान्य मजदूरों से भी गया गुजरा समझा जाता है, जबकि हम लोगों से स्थायी कर्मचारियों जैसे कई तरह के सरकारी कार्य करवाए जाते हैं। सर्वे से लेकर जितने भी कार्य दूसरे विभागों के हैं उनको भी हम लोगों से करवाया जाता है। पिछली सरकार के समय 11,500 रुपए तनख्वाह मिलती थी, इस सरकार में तनख्वाह बढ़ने के बजाय 1,500 रुपए कम कर दी गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।